बड़वानी में लॉकडाउन और अतिवृष्टि से फसलें खराब होने के बाद अब मिर्ची पर वायरस अटैक के चलते किसानों की मिर्ची की फसल खराब हो रही है। किसान अपने खेतों से मिर्ची की फसल को उखाड़ फेंकने को मजबूर हो गए हैं। लॉकडाउन लगने से लेकर अब तक किसान अनेकों समस्याओं से जूझ रहा है। लॉकडाउन में जहां मंडी बंद होने और खरीदार नहीं मिलने से फसलें खराब हो गई थी, वहीं अतिवृष्टि के चलते भी किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। हाल फिलहाल राजपुर क्षेत्र में मिर्ची पर वायरस अटैक के चलते किसान अपने खेतों से मिर्ची की फसल को उखाड़कर फेंक रहे हैं। किसानों का कहना है कि क्षेत्र में हजारों हेक्टेयर मिर्ची की फसल खराब हो गई है। वहीं भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष कहते हैं कि हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया था, किंतु शासन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया है और उसे जगाने के लिए अब हम 15 सितंबर को बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं क्षेत्र के सांसद गजेंद्र पटेल मिर्ची में वायरस की बात को मानते हुए कहते हैं कि मैंने खुद ने इस स्थिति को देखी है, और वह यह भी कहते हैं कि किसान खेतों में मिर्ची की फसल को उखाड़ के फेंक रहा है। साथ ही वह कहते हैं कि हम इसके लिए सर्वे भी करवा रहे हैं। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मनसाराम पंचले, भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष बड़वानी। मिर्ची की समस्या आ रही है? मिर्ची में ये समस्या आ रही, पूरे ज़िले में हजारों एकड़ में मिर्ची बोई गई थी। किसानों ने रुझान गत वर्ष ज़्यादा भाव मिलने के कारण किसानों का रुझान इस बार मिर्ची पर ज़्यादा था। कई कंपनियों ने नॉन वायरस करके बीज दिया था, वो बीज भी ख़राब निकला और उनके ऊपर भी वायरस आने लगा है। वायरस आ गए और अपने खेतों से अब किसान अपनी मिर्ची निकाल के फेंकने लगे। सर्वे ना होने के कारण अब कब तक रखेंगे? एक माह पूर्व ज्ञापन देने के बाद भी शासन प्रशासन की नींद कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है, आज तक नहीं जगा। इसको जगाने के लिए हम 15 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं तहसील स्तर पे पूरे ज़िले में। क्या नाम है? राजाराम पटेल। क्या खेत में क्या हुआ था? खेत में मिर्ची लगाई थी मैंने 4 एकड़ में। अच्छा, जो टोटल ख़राब हो गई है, वायरस आ गया है इस पर। फसल मतलब एक नए पैसे की बेची नहीं है मैंने। क्या कारण था वायरस आने का? वायरस आने का अब ये भगवान जाने क्या हुआ इस पर। पानी की कमी हुई, बरसात कम हुई कि हमने नीचे से पानी तो अच्छा दिया था इसको, कुएं का पानी भी दिया था, लेकिन खर्चा बैठा आपको 3-4 लाख रुपए खर्चा बैठ गया इस पर। अच्छा। दवाई, खाद, बीज, मजदूर, अभी इसको कटवा रहा हूँ और फेंक रहे हैं इसको काट के। क्या बो गया अब इसमें? अब इसमें कोई भी प्याज बोएंगे नहीं तो फिर ककड़ी वगैरह जो भी हो सूट होएगा। सरकार के क्या चाहते हो? सरकार तो इसकी मदद चाहते हैं, हेल्प चाहिए हमको, किसान हैं हम तो। मुआवजा मिलना चाहिए किसान को। हम पूरा माल खराब, कोई ना जाए तो गवर्नमेंट से डिमांड कर नहीं रहे हम। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होना चाहिए। बीमा मिलता कि नहीं मिलता? बीमा नहीं मिला। क्या नाम है? दिलीप कुशवा। खेत में क्या बो रखा है? मिर्ची लगा रखी है। तो मिर्ची निकाल के क्यों फेंक रहे हो? मिर्ची पे पूरा वायरस आ गया, पानी के कारण थोड़ा थोड़ा पानी गिरा करा, हुम्मस बहुत हुआ करी, उसके कारण क्या बीज के कारण मिस्टेक आई क्या मालूम, उसके कारण पूरी 2 एकड़ की मिर्ची उखाड़ के फेंक दी। क्या वो हो गया अब इसमें? अब इसमें प्याज लगाएंगे। सरकार तरफ प्रधानमंत्री बीमा, आपको पता है बीमा होता है मिर्ची का? बीमा ये सोसाइटी में से खाद लाते हैं, उसमें तो कहीं रसीद दी नहीं आज तक, और कभी आज तक बीमा राशि कभी कोई को मिली भी नहीं है किसान को। तो सरकार से क्या चाहते हो? सरकार से बस यही चाहते हैं कि बीमा राशि मिले और जो हमारी फसल में लागत लगी वो हमको मिले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।